बिहार विधानसभा चुनाव के दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। और आज 7 बजे सुबह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। इस समय हम पटना का जो कंट्रोल रूम है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कंट्रोल रूम विशेष तौर पर बनाया गया है मोकामा और गोपालगंज के लिए। सभी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। लगातार जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जो अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, वो लगातार जिला के जिलाधिकारी और SP से संपर्क में हैं। कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की अभी तक कोई सूचना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों विधानसभा उपचुनाव में कहीं से EVM बदले जाने की सूचना नहीं है। और वो हम आपको बता दें, ये नई टेक्नोलॉजी इस बार यूज़ हो रहा है, ये उसी का लग रहा परिणाम है। और कहीं से एक भी EVM नहीं बदला गया। हाँ, बैलेट कह सकते हैं कि वो बदला गया है, लेकिन EVM नहीं बदला गया है। और ये अपने आप में नज़ारा है पटना के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस का, जहाँ कंट्रोल रूम विशेष तौर पर अभी से लेके शाम के 7 बजे तक ये काम करेगा। और उसके बाद फिर हर 2 घंटे पर कह सकते हैं मतदान का प्रतिशत आ पाएगा। तो कहा जा सकता है सख्त सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया दोनों विधानसभा उपचुनाव में, मोकामा और गोपालगंज में, चल रही है। मुर्गोपालम कशिश पटना।